नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में रेसलर्स की पंचायत शुरू हो चुकी है। पंचायत में साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे कई पहलवान पहुंचे हैं। रेसलर्स ने ब्रिजभूषण के विरोध में पंचायत बुलाई है और इस पंचायत में खाप, किसान संगठन और महिला संगठन से जुड़े हुए लोग भी शामिल है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यह पंचायत बुलाई गई है। मीटिंग में किसान संगठन मौजूद है, महिला संगठन यहां पर मौजूद है, मजदूर यूनियन के संगठन भी यहां पर मौजूद है और साथ ही सर्वखाप पंचायत के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद है। और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अब से चंद सेकंड पहले की तस्वीर, जब साक्षी मलिक भी वहां पर पहुंची, बजरंग पूनिया वहां पर पहुंचे। थोड़ी देर में और पहलवानों को भी आप इस सर्वखाप पंचायत में देखने वाले हैं। सोनीपत से एक बार फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हल्ला बोल की ये तस्वीरें हैं। पंचायत में आज एक बार फिर उन्हीं मांगों को दोहराया जाएगा जो बीते कई महीनों से लगातार पहलवान कर रहे हैं। शोएब इस वक्त हमारे साथ सोनीपत से लाइव जुड़े हुए हमारे सहयोगी शोएब रजा, आप वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या चर्चाएं वहां पर चल रही है, कौन कौन पहलवान वहां पर पहुंचा है? शोएब, शोएब हमारे साथ जुड़े हुए इंडिया टीवी संवाददाता सोनीपत से लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। शोएब, जानकारी दें, कौन कौन रेसलर्स वहां पर पहुंचा है, क्या एजेंडा, आगे की क्या रणनीति तैयार की जा रही है? क्योंकि साक्षी मलिक को हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती ब्रिजभूषण शरण सिंह की, वो पीछे नहीं हटेंगे। ब्रिजभूषण वर्सेस पहलवानों के बीच ये एक जंग की तस्वीर है और ऐसा नहीं है कि ये जंग यहाँ खत्म होने वाली है, ये इसका एक नया अध्याय है और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय इसलिए है क्योंकि एक एक करके गवाहों के बयानात सामने आ रहे हैं। एक महिलाओं की कमेटी होती है, मैं हिंदी में बताता हूँ, एक महिलाओं की कमेटी होती है और वो पहले भी थी, ऐसा नहीं था पहले नहीं थी, लेकिन जो बना रखे थे उनको ही कभी पता नहीं लगा 10-12 साल में। अब भाई कोई महिलाओं की ऐसी भी कमेटी है और किसी महिला गैल कोई दिक्कत है तो उसको जाकर बताए, अब भाई मारे गैल ये घटना घट रही थी, उसमें साक्षी मलिक भी सदस्य थी, लेकिन उसको 10 साल में कभी पता ही नहीं लगा कि वह सदस्य थी, ना कभी उसके साइन हुए, ना कभी उसको बताया गया, ना कभी उसको बुलाया। तो ये भी था, अगर एक महिला कमेटी गठित होगी और उसकी अध्यक्ष महिला होगी, अब जिससे आने वाले टीम में कोई भी हमारी बहन बेटी संकोच ना करे, अगर उनके कुछ हो तो वो जाकर उनको बता दे। अब ये तो हमारी तरफ से थे जो मैंने बताया, सरकार की तरफ से जो प्रपोजल आया वो ये था। तो आपने देखा सर्वखाप पंचायत में मंच सज चुका है, सभी खाप पंचायतों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। रेसलर्स में से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को आप यहाँ पर देख रहे हैं और थोड़ी देर में बाकी रेसलर्स भी यहाँ पर जुटेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह के विरोध में ये सर्व खाप पंचायत बुलाई गई है और अभी तक की जितनी भी खाप पंचायतें आपने देखी थी मुजफ्फरनगर से लेकर अलग अलग इलाकों में, वो खाप पंचायत संगठनों की ओर से बुलाई गई थी, चाहे उसमें किसान संगठन हो या मजदूर संगठन हो या महिला संगठन हो, उनकी तरफ से ये कॉल था। लेकिन आज जो खाप पंचायत बुलाई गई है इसका कॉल पहलवानों की ओर से दिया गया है। हाल के दिनों में बहुत सारी खबरें ये भी चली थी सोशल मीडिया पर, खास तौर पर अगर हम ये कहें, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी कि क्या गृह मंत्री से मुलाकात के बाद या खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद रेसलर्स ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं, लेकिन वो सभी भ्रम के बादल छट चुके हैं। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी इस वक्त सोनीपत में ही लाइव मौजूद हैं और शोएब, आज की ये तस्वीर एक बार फिर स्पष्ट करती है कि रेसलर्स ना अपनी बातों से, ना अपने दावों से और ना अपनी मांगों से पीछे हटे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी उन्हें चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो भी चीजें थी वो अब क्लियर हो गई मीनाक्षी और पंचायत हो रही है। हालांकि इस पंचायत को बहुत सीमित रखा गया था, लेकिन क्योंकि हम लगातार लाइव दिखा भी रहे हैं तो यहाँ पर साक्षी मलिक हो, बजरंग पूनिया हो, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साक्षी मलिक की जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं आपको। और
क्योंकि बजरंग पुनिया हम देख रहे हैं कि पहले से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब साक्षी मलिक की तस्वीरें देखिए कि इंडिया टीवी पर वो भी पंचायत में पहुंच चुकी है। तो साक्षी मलिक की अगर बात की जाए, उन्होंने लगातार इस बात को हालांकि वो कहती रही है कि कोई मतभेद नहीं है, कोई भी इस तरह की चीजें नहीं है। जो आंदोलन खत्म हुआ हमने उस दिन भी बात की थी जब लगातार ये कहा जा रहा था कि वो नौकरी पर लौट आई है और क्या आंदोलन खत्म हो गया है, तो उन्होंने क्लियर किया था कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। और एक पंचायत पहले भी सोनीपत में हुई थी, उस दौरान बजरंग पुनिया ने ऐलान किया था मीनाक्षी कि जल्दी ही पहलवान खुद पंचायत करेंगे अपनी और उसमें आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। आज वही पंचायत है जिसका जिक्र बजरंग पुनिया ने कुछ दिनों पहले एक पंचायत के दौरान किया था। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई थी और ये बात कही गई कि 15 तारीख तक का वो इंतजार कर रहे हैं इस मामले में क्या आगे की कार्रवाई सरकार और पुलिस की तरफ से की जाती है। लेकिन आज की ये महत्वपूर्ण पंचायत पहलवानों की तरफ से बुलाई गई है, जो महिलाओं के संगठन है, मजदूरों के संगठन है, किसानों के संगठन है, उसके जो मौजूद लोग हैं यानी कि जो अधिकृत लोग हैं संगठनों से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। देखिए सरकार के मामले में शोएब, अगर हम ये कहें कि सरकार का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि जांच रिपोर्ट में जो सामने आएगा वो होगा, और बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब से गृह मंत्री से मुलाकात हुई है, खेल मंत्री की ओर से आश्वासन दिया गया है, उसके बाद जांच की प्रक्रिया में तेजी भी आई है। लेकिन ये जो शक्ति प्रदर्शन का दौर है, एक तरफ पहलवान खा पंचायतों के जरिए अपनी एकजुटता और शक्ति दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें बृजभूषण शरण सिंह, वो कभी रैली करते हैं, कभी कोई बयान देते हैं, कभी वीडियो मैसेज जारी करते हैं, उसके जरिए वो भी शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए कल उनकी भी रैली है शक्ति प्रदर्शन करने की, उनकी तरफ से भी कोशिश की जाएगी प्रदर्शन की। लेकिन पहलवानों का ये मानना है, जहाँ तक जो भी इस आंदोलन को हम समझ पाए हैं, कि अलग अलग जो संगठन है, अगर पहले अपने स्तर पर देखिए जो आंदोलन है तरीके से, वो पहलवान अपने स्तर पर कोई किसी भी तरह की जो समझौते की बात है या फिर किसी भी बातचीत की जो बात है, वो अपने स्तर पर पूरी तरह से नहीं कर सकते, मुझे ऐसा भी लगता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे संगठन है उनके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनसे सलाह मशवरा ही करना पड़ता है पहलवानों को जब भी वो किसी से मुलाकात करते हैं या किसी से भी बातचीत की जाती है। सरकारी सतह पर भी अनुराग ठाकुर से बातचीत हुई, उसके बाद भी ये कहा गया था बजरंग पुनिया की तरफ से, साक्षी मलिक की तरफ से, कि वो आगे पहले बातचीत करेंगे संगठनों से, उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं, उसके बाद वो आगे की बात बताएंगे। लेकिन 15 तारीख तक कोई भी आंदोलन या उस तरह की चीजें नहीं होगी। अब आज की जो पंचायत है, क्योंकि आज 10 तारीख है, 5 दिन बाकी है, तो यहाँ से भी सुबह से जितनी भी बात हमारी लोगों से हुई जो इस पंचायत में पहुंचे हैं, वो बार बार इस बात को कहते नजर आए कि बृजभूषण की गिरफ्तारी सबसे पहले हो, 15 तक का वो इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद यकीनन कोई ना कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। तो वो ऐलान शायद आज भी हो सकता है कि अगर 15 तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो क्या फिर से कोई आंदोलन शुरू होगा। ठीक है, गिरफ्तारी तो तब होगी ना शोएब जब पुलिस के पास पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि जितने भी बयान हैं कोर्ट में पहले उन्हें टेस्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये कहा जा सकता है कि इस मामले की जांच प्रक्रिया में तेजी आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत में साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंच चुके हैं, विनेश फोगाट यहां पर आएंगे या नहीं आएंगे इसको लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, लेकिन विनेश फोगाट के पति भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दो बड़ी गवाहियां सामने आ चुकी है, हमने इंडिया टीवी पर आपको दिखाया था जगबीर सिंह, जो कि खुद रेफरी के तौर पर टीम के साथ जुड़े हुए थे, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन में अलग अलग बाउट में उन्होंने रेफरी की भूमिका निभाई थी, उन्होंने खुद आंखों देखी दो घटनाएं ऐसी बताई, जिसमें से एक थाईलैंड के फुकेट की घटना है और एक लखनऊ की घटना है, जिसमें उन्होंने खुद ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह ने महिलाओं को, महिला रेसलर्स को गलत तरीके से छुआ था। हमारे साथ कुमार सोनू भी बृजभूषण शरण सिंह के घर से लाइव जुड़े हुए हैं। अभय पराशर इस वक्त साक्षी के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, सबसे पहले जो जानकारियां अब तक आपने पहुंचाई है, चाहे फिर वो जगबीर सिंह की गवाही हो या फिर अभी अभी जिस तरीके के खुलासे परमजीत मलिक ने किए हैं, वो हैरान करने वाले हैं। अभय, देखिए बिल्कुल मीनाक्षी, हैरान करने वाले हैं, और ये वो दो लोग हैं जो बृजभूषण के साथ काम कर चुके हैं। चाहे हम जगबीर की बात करें, वो एज ए रेफरी के तौर पर इंटरनेशनल रेसलिंग में काम कर चुके हैं, अभी भी वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो घटनाएं बताई, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि फोटो सेशन के दौरान किस तरीके से, गलत तरीके से महिला खिलाड़ियों को बृजभूषण
टच कर रहे हैं, कैसा उनका बिहेवियर था, ये तमाम जानकारियां उन्होंने दी। उन्होंने लखनऊ का एक इंसिडेंट बताया, लखनऊ का जो इंसिडेंट था जिसमें फोटोग्राफ थी ब्रजभूषण सिंह की बाकी खिलाड़ियों के साथ, उसी फोटो को लेकर दिल्ली पुलिस ने कॉन्टेक्ट किया था जगबीर सिंह से और पूछा था कि यहां पर क्या हुआ था, वो इंसिडेंट बताओ, और अपने बयान जो है वो पुलिस के सामने दर्ज कराए हैं। और ये बयान दर्ज कराए हैं कि एक महिला खिलाड़ी को फोटो सेशन के दौरान गलत तरीके से टच कर रहे थे ब्रजभूषण सिंह, उसके बाद वो महिला खिलाड़ी बहुत अनकंफर्टेबल होकर दूसरी जगह आ जाती है, यानी कि ब्रजभूषण से दूर हो जाती है। ऐसा ही एक मामला उन्होंने थाईलैंड का बताया कि थाईलैंड में इंडियन फूड खिलाने के बहाने जब खिलाड़ियों के साथ वो थे तो उन्होंने काफी ज्यादा शराब पी रखी थी और वहां पर भी खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार वो कर रहे थे। दूसरी बड़ी गवाही जो परमजीत है, हम आपको बता दें परमजीत का बयान अब तक पुलिस ने हालांकि दर्ज नहीं किया है, लेकिन परमजीत जो है ये बता रहे हैं कि 2011 से लेकर 2014 तक ये महिला खिलाड़ी जो हैं उनके फिजियोथेरेपिस्ट ये थे, और इनका ये कहना है कि इन्होंने भी ऐसा कई बार देखा है कि महिला खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार जो है, गलत तरीके से टच जो है वो ब्रजभूषण करते थे, ऐसा इनका कहना है, इनका आरोप है। और साथ ही परमजीत ने हमें ये भी बताया कि कई बार अलग अलग तरीके से महिला खिलाड़ियों को परेशान किया जाता था, उन्हें मैच से हटा दिया जाएगा या फिर उनकी पोजीशन क्या होगी, इन सब के दबाव में रखा जाता था। मानसिक तौर पर भी तकरीबन 100 के आसपास वो बता रहे हैं, जैसा कि परमजीत बता रहे हैं कि लड़कियों को परेशान किया जाता था। और ये भी उनका कहना है कि अगर पुलिस उनसे कोई कॉन्टैक्ट करेगी तो वो बताएंगे कि उन्होंने साल 2014 में भी ये आवाज़ उठाई थी जब कुछ महिला खिलाड़ियों ने शिकायत की थी कि गलत तरीके से टच किया जाता है, न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी महिला खिलाड़ियों को परेशान किया जाता है। जब ये आवाज़ उठाई थी तो इनका ये दावा है कि इन्हें रातों रात वहां से हटा दिया गया, इनकी पोस्ट किसी और को दे दी गई। इस तरह की चीजें हैं, रात में भी इन्होंने बात कही है। आरोप है और बड़ी बात तो ये है अभय, जो अभी आपने जानकारी दी परमजीत के हवाले से कि उन्होंने पहले भी इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और पर्सनल लाइफ का डेटा महिला रेसलर्स का अपने पास क्रिएट करने का, एक फाइल तैयार करने का मतलब आखिर क्या है। हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़े हुए हैं। अभी तक इतने सारे आरोप कुमार ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो रेसलर्स ने लगाए थे, उसके इतर गवाहों के बयान भी अब सामने आ चुके हैं, क्या कोई रिएक्शन, क्या कोई बात ब्रजभूषण की ओर से कही गई? देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह इस वक्त दिल्ली में नहीं है, वो इस वक्त लखनऊ में है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली है वो ये कि वो सोमवार को दिल्ली आ सकते हैं शाम तक। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो है कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया। जिस तरीके से इंडिया टीवी लगातार जो परमजीत सिंह मलिक है या फिर जगबीर सिंह है उनके बयानों को दिखा रहा है, उसके बाद से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन इतना ज़रूर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कई लोगों के स्टेटमेंट इसमें दर्ज कर चुकी है, जो विटनेस है उनके स्टेटमेंट कर चुकी है। साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर टीम पहुंची थी, उसके बाद पूरे सीन को उन्होंने समझा किस तरीके से पूरा यहां पर हुआ। तो इन तमाम तस्वीरों को जो है दिल्ली पुलिस अब समझ चुकी है, फिलहाल जांच आगे बढ़ रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान अभी तक नहीं दिया गया है कि किस समय जो है ब्रजभूषण शरण सिंह को बुलाया जाएगा या उनकी जो अरेस्टिंग की लगातार खबरें आती रही हैं तो उसको लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह है उनकी मुश्किलें लगातार पड़ रही है, क्योंकि लगातार खाप पंचायतें हो रही है। अभी अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय खेल मंत्री, उनसे पहले ब्रजभूषण पर जब रेसलर्स ने आरोप लगाया था तो वो खुलकर सामने आए थे और हर आरोप को उन्होंने झूठा बताया था और ये भी कहा था कि कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, कोई आए तो सामने। लेकिन इस बार अपने स्वभाव से बिल्कुल अलग ब्रजभूषण चुप्पी साधे बैठे हैं, दो दो गवाह सामने आ चुके हैं और अलग अलग किस्से सामने रखे जा चुके हैं, उसके बावजूद वो चुप है। देखिए बिल्कुल, जब से ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए हैं तब से जो है लगातार वो एक एक के बाद एक उनके कई बयान आ रहे थे, कई आक्रामक बयान भी उनके सामने आए जो हमने सबने सुने। लेकिन अब अगर हम पिछले 2-3 दिन की बात करें तो उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, बल्कि उन्होंने इतना जरूर कहा कि अब वो इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आई विटनेस जो है वो पुलिस के सामने आ रहे हैं, इंडिया टीवी ने भी कई आई विटनेस की जो
है जो जिन्होंने सब चीजें देखी उनको उन्होंने जो आरोप लगाए उनके बयान हमने जो है अपने दर्शकों को सुनाए, तो इससे उन्हें भी ये लग रहा है कि अब मुश्किलें बढ़ रही हैं, पहले जैसे हालात नहीं है। लगातार खाप पंचायतें हो रही हैं, आज भी सोनीपत में खाप पंचायत हो रही है। केंद्रीय खेल मंत्री से घंटों मीटिंग चलने के बाद भी जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकला, हालांकि पहलवानों ने कहा कि 15 तारीख तक वो किसी तरह का प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पहलवानों की तरफ से यह भी कहा कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी वो चुप नहीं बैठेंगे, वो अपना आंदोलन जो है वो इसी तरीके से करते रहेंगे, अपनी मांग इसी तरीके से उठाते रहेंगे। फिर हम ये भी कह सकते हैं सोनीपत में भी कि ये चुप्पी बृजभूषण की तरफ से इसलिए भी है कि पहले वो पूरे मामले की गंभीरता, कौन कौन गवाह है, क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, उसे पूरा टटोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और उसके बाद वो अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, शोएब रजा इस वक्त सोनीपत से लाइव जुड़े हुए हैं। हाँ शोएब, एक बार फिर से वहां की लाइव तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि कौन कौन यहाँ पर बड़े चेहरे शामिल हुए हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि ये प्रदर्शन जो है और ये जो धरना है, इनकी मांगे हैं, ये पॉलिटिकल एंगल लेती जा रही है। अब ये महिला पहलवान वर्सेस बृजभूषण का केस नहीं बल्कि ये पॉलिटिकल एंगल लेता जा रहा है, क्या अब ये कहना सही होगा या पूरी तरीके से राजनीति और राजनेताओं को इस प्रदर्शन से दूर कर दिया गया है? देखिए, जो यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से सीधे तौर पर जुड़े हुए नजर नहीं आ रहे, खासतौर पर इस पंचायत की अगर बात करता हूँ। हालांकि जंतर मंतर और दूसरी जगहों पर हमने देखा कि तमाम पार्टियों के लोग समर्थन देने आए, लेकिन आज जो सोनीपत में और ये बहुत लिमिटेड लोग हमें नजर आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत भारी भीड़ यहाँ पर जुट गई हो, जिन लोगों को पहलवानों की तरफ से न्योता भेजा गया वही लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और खुद इस पंचायत की जो नेतृत्व है वो बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक करने पहुंचे हैं। अब तक हमने जितनी भी, चाहे मुजफ्फरनगर हो या कुरुक्षेत्र, दूसरी पंचायतों में देखा कि पहलवान नहीं पहुंचे थे, सोनीपत की पंचायत में सिर्फ बजरंग पुनिया पहुंचे थे, और यहाँ विनेश के जो पति है सोमवीर वो भी पहुंचे हुए हैं। हमने उनसे बात की थी कि विनेश क्यों इसमें पंचायत में नहीं आए, तो उनका कहना है कि वो किसी काम से गई है, और दिल्ली का जिक्र उन्होंने किया कि वो दिल्ली गई है किसी काम से और जरूरी काम था, इसलिए वो यहाँ नहीं हो आ पाई, लेकिन हम सब यहाँ पर है। और सुबह से मैं देख रहा हूँ सोमवीर को कि वो इसका आयोजन करते नजर आ रहे थे इस पूरी पंचायत का एक तरीके से, तो ये स्पष्ट है कि पहलवानों की खुद की पंचायत ये है, और वो ये चाहते हैं अब लोगों के बीच बैठकर कि ऐसा ना हो कल के दिन उन पर ये आरोप लग जाए कि उन्होंने खुद ही तमाम फैसले ले लिए, और जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद अनुराग ठाकुर से उनकी मुलाकात हुई, कई घंटों तक चली, तो अब ये कोशिश है कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे राय मशवरा हो, और आगे 15 तारीख तक अगर जो इन पहलवानों की मांगे हैं, खासतौर पर बृजभूषण की गिरफ्तारी का जो मसला है उसको लेकर अगर वो नहीं होती सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाए, क्या आगे आंदोलन का स्वरूप होगा, 15 के बाद क्या करने की कोशिश होगी, उन तमाम रणनीतियों पर आज विचार यहाँ पर किया जा रहा है। और मुझे जो जानकारी मिली है वो ये कि इस पंचायत को इस तरीके से थोड़ा इन्होंने खुफिया भी रखने की कोशिश की थी। ठीक है शोएब, आप लगातार अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल शोएब आपका भी, अभय आपका भी, और कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।